गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय की पढ़ाई शुरू करेंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, हमने संस्कृत अभी पढ़ाई नहीं है। मैं भी थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़े से और बच्चे ऐड हो जाएं, मुझे काफ़ी कम दिख रहे थे। और आप लोगों के लिए वैसे भी संस्कृत नया विषय है, तो आप में से काफ़ी लोग तो बहुत डर रहे होंगे कि संस्कृत है क्या और ये हमको नया विषय पढ़ना है। तो आप लोग देखिए अच्छे से, ये जितने सारे अक्षर हैं इसमें कहीं भी आपको कोई भी ऐसा नया अक्षर दिख रहे हैं जो आपने पहले आज तक कभी नहीं पढ़ा हो? ध्यान से देखो। हाँ, कुछ में जैसे लाइन आपको दिख रही है, पर आपके सारे जो अक्षर हैं ये आपने KG1 से जो पढ़ना शुरू किया है वो अभी तक आप यही सब पढ़ रहे हो। ग अ आ ई ई ऊ ऊ, ये सभी संस्कृत है। हमको संस्कृत से घबराना नहीं है, हमें उसे बहुत मन लगा के पढ़ना है। अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो आपको संस्कृत बहुत अच्छा लगेगा। हम जब कोई भी चीज़ को नया जब काम करते हैं तो घबराते हैं, तो क्या उसको कर पाते हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए इसे घबराओगे नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसे हिंदी रीड करने में प्रॉब्लम होती होगी उसे ही थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में परेशानी होगी। इसीलिए आप लोग अभी घर में हो, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से हिंदी को रीडिंग करना सीखो, एकदम मात्राओं का। जैसे ये कोई पूछा नी, अब ये मत बोलो कि नौ में छुट्टी की मात्रा नी, नहीं, नी को वर्ण ए या के ऊपर र है, पर्यंत है ना, माला, ऐसे। मतलब आप भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ऐसे जब आप रीड करना शुरू कर दोगे ना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि काफ़ी बच्चे तो अच्छा रीड करते हैं, मुझे मालूम है, पर कुछ को प्रॉब्लम होती होगी। इसीलिए घबराना नहीं है, आप इस हिंदी को रोज़ रीड करें, रोज़ रीड करें, और जो मैं पढ़ाऊंगी उसे रोज़ पढ़े, अच्छे से समझें। अभी अपना स्कूल कब खुलेगा पता नहीं है, इसीलिए अब हम ऐसे ही अभी वीडियो से पढ़ेंगे, है ना। इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी करना है, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अक्षर माने वर्ण माला, अल्फ़ाबेट। अपन पढ़ते हैं इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट क्या होता है? ABCD होता है। हिंदी में अक्षर में क्या पढ़ते हैं अपन? क ख ग ख पढ़ते हैं, अ से लेके ज्ञ ज्ञानी तक। और संस्कृत में हम इसे क्या बोलते हैं? वर्ण माला माने अक्षरों की माला। ये जो आपके अक्षर दिख रहे हैं इसकी माला। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहती हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जैसे च, अंग, घ, ग, ब, ये सब छोटे हैं, एक ही अक्षर है, तो ये सबसे छोटी ध्वनि हो गई। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। जब कोई आपको अक्षर की या वर्ण की परिभाषा पूछेगा तो आप यही कहोगे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यथा अ आ ई ई उ उ री री ली ए ए ओ ओ, है ना, फिर क ख ग घ अंग च छ ज झ इ। ये देखिए आपके पूरा लिखा हुआ है ह तक, तो पर्यंता 46 माने 46 वर्णों का संस्कृत वर्णमाला होता है, है ना, 46 संस्कृत वर्णमाला होती है। और ये जो सब इसकी लाइन की जो नीचे जो लाइन खींची हुई, देखिए अब लाइन खींचने का भी तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये क लिखते हैं ऐसे खींच देते हैं, नहीं, क लिखेंगे ऐसे आराम से, ग ऐसे, है ना, लिखेंगे ऐसा नहीं कि ग लिखें और यहाँ खींच दिए, नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो इसे बोलते हैं हलंत। और जैसे अब हम अह लिखते हैं और ऐसे ये दो बिंदी देते हैं, ये संस्कृत में इसे बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। इतना ज़रूर याद करके हमको यही काम बहुत आएगा, हलंत, और ये है
विसर्ग। ठीक, तो कितनी वर्णमाला होती है संस्कृत में? 46। तो वर्ण की परिभाषा क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कहते हैं, इसके आगे क्या है? वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये सब आपने इंग्लिश में भी पढ़ा था। तो स्वर और व्यंजन, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर क्या होता है? अ से लेके अह तक ये स्वर है ना। चलिए हम स्वर पढ़ते हैं, स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, मतलब होता है बोलना, करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। मैंने ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं होती है, वो होते हैं वर्ण अक्षर। जैसे अ, आ, ई, ई। जब हम शुरू से लेके आखिरी तक ई बोलते हैं तो हम जितना भी लंबा खींचे हमें वो ई का ही उच्चारण आता है। आ, ऊ, हम जितना भी लंबा ये सब वर्णों को, अक्षरों को बोलते रहेंगे, हमें लास्ट तक वही उच्चारण हमें एकदम क्लियर सुनाई देगा। ये होता है स्वर। इसके मुख्य तीन प्रकार होते हैं। अब घर में बोल के देखिए, ए, ए, ओ। आपको कुछ और शब्द सुनाई दिया? आपको म सुनाई दिया? आपको र सुनाई दिया? नहीं ना। तो ये होते हैं स्वर, जिसे बोलने के लिए किसी और दूसरे अक्षरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, है ना। ये होते हैं स्वर। अब स्वर के तीन प्रकार होते हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। ये है पूरे उसके अक्षर। उसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम अभी पहले क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या बोलते समय किसी दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिंपल, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्रलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते ने में मुख कम खुलता है, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे अक्षर स्वर हैं जिसको बोलने के लिए हमारा मुख कम खुलता है। प्रैक्टिस करके देखो घर में, आप कौन कौन से स्वर बोलते हो? आ, इसमें से ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिसको बोलने के लिए हमारा मुंह कम खुलता है? देखे तो कौन कौन से, यहाँ देखे तो अ, ई, ऊ, री, ली। बोल के देखो, अ, हम आ नहीं बोल रहे हैं। आ बोलते तो हमारा बहुत देर तक खुलता। हम बोल रहे हैं अ, ई, ऊ, री, ली। कम मुंह खुला ना? हाँ, गुड। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुंह कम खुलता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आजकल री को स्वर में नहीं गिनते, परंतु प्राचीन संस्कृत में री को जोड़कर 5 ह्रस्व स्वर वर्ण बताए गए थे। ठीक है, तो ये आपके 5 ह्रस्व स्वर हुए। आप इसे कॉपी में लिखोगे, है ना। मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, तो आप पहले लिखोगे ऊपर में, किस प्रकार से लिखोगे वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, हाँ। जैसे ये पहले आप हेडिंग ए डालोगे, फिर ये परिभाषा लिख के आप पूरा यहाँ तक लिखोगे, फिर
एक लाइन गैप करके वर्णों के दो प्रकार होते हैं इसको लिखोगे, फिर स्वर की परिभाषा लिखोगे कॉपी में, फिर उसके प्रकार के नाम और उसके बाद में उसकी परिभाषा, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, ठीक है। आगे आपको समझ में, ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिसको बोलने के लिए, जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारा मुंह कम खुलता है वो ह्रस्व स्वर होता है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर, वेरी गुड। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा मुख अधिक खुलता है, माने ह्रस्व स्वर में कम खुलता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अ, अ किसमें पढ़े थे बोलो? अरे ह्रस्व स्वर में हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आ, ई बड़ी है, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। तो हमारा मुंह ज़्यादा खुला और हम थोड़ी देर तक बोलते रहे, ये होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, तो ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ेंगे प्रलुप्त स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना मुख ज़्यादा खोलना पड़ता है, माने अभी ह्रस्व स्वर में हम कम खोलते थे, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा खोलते थे, अपलुप्त स्वर में क्या करते हैं? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा, माने और ज़्यादा मुख खोल के बोलना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रलुप्त स्वर। तो वह स्वर के पश्चात 3 अंक लिख दिया जाता है। तो ऐसे अक्षर जिसको बोलने के लिए हमें बहुत लंबा बोलना पड़ता है, उनके पीछे हम क्या लिखते हैं? पूरे सेंटेंस के पीछे नहीं लिखते, हम जो अक्षर बोलते हैं उसके पीछे क्या लिखते हैं? हम 3, ये हिंदी का 3 है, हिंदी का 3 ऐसे बनता है ना, ये हिंदी का 3 है। ओम, हे राम, हे माते, भो, बोला, भो श्याम, है ना, ये क्या हो गए? प्रलुप्त स्वर। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये इसके 46 वर्ण हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में होता है कि जिन अक्षरों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो होते हैं स्वर वर्ण। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में हमारा मुंह कम खुलता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? हमारा मुंह ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है, वो होता है दीर्घ स्वर। और प्रलुप्त स्वर में 3 गुना मुख ज़्यादा खुलता है, माने काफ़ी लंबे समय तक खुलता है, उसे हम बोलते हैं प्रलुप्त स्वर, ठीक है। अब ये देखो, ये तो 3 प्रकार हो गए, अब ये है अनुनासिका तथा अनुस्वर। चंद्र बिंदी को अनुनासिका तथा बिंदी को अंग, जो एक बिंदी है उसको अनुस्वर कहते हैं। जो चंद्र बिंदी होती है अपन लगाते हैं ना, चंद्र बिंदी हिंदी वगैरह में भी लगाते हैं, उसे इसको बोलते हैं संस्कृत में अनुनासिका, और एक बिंदी को बोलते हैं अनुस्वर, है ना। अ, आ आदि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पर उन स्वरों का उच्चारण मुख नासिका से होता है, माने नाक से अपन बोलते हैं अंगा, है ना, ऐसे। अतः अ, आ आदि ऐसे वर्ण अनुनासिका स्वर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, है ना, हम उसको बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि बहुत लोग आइडिया नहीं है कि अपन को ऑनलाइन में ये वीडियो में कैसे पढ़ना है, तो काफ़ी लोगों को समझ में ना आए और काफ़ियों को आ जाए, तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। संस्कृत आपके लिए भी नया विषय है ना।
पर इतना है कि आप लोग ये जो पढ़ाया जा रहा है इसे घर में प्रॉपरली रोज़ इसको पढ़ें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपसे बनेगा नहीं, इसलिए इसे डरना नहीं है, इसे हमें पढ़ना है। और जो भी समझ में ना आए आप इसे अच्छे से समझो, नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप में करो तो मैं उसके फिर एक वीडियो बना के उसको पोस्ट करूँगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना है, फिर जब स्कूल अगर ओपन हो जाएगा तो हम इसको फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से इसे दोबारा पढ़ें, है ना? ठीक है, बिल्कुल आप एकदम घर पे रहो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, है ना, कि पापा मम्मी के साथ कहीं जाने की ज़िद नहीं करना, सेफ रहना और बस। और ज़्यादा बाहर का अभी खाना भी नहीं, और बिल्कुल स्वस्थ रहो, है ना? ठीक है, चलो आप इस सब को अच्छे से पढ़ो समझो, और इसे कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है? ओके, गुड डे। अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ो।